गाइस नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। फाइनली आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना लिविंग रूम एंड डाइनिंग रूम टूर। आई रिसेंटली शिफ्टेड टू दिस अपार्टमेंट एंड भाई साहब क्या लेवल का प्रेशर मेरे पास आ रहा था ना कि मैं आपको क्या बताऊं। लिविंग रूम टूर आप कब डाल रहे हो मतलब ऐसा हुआ है कि लिटरली एक दिन तो मैंने बिना शावर लिए सुबह से लेकर रात तक रात 11-12 बजे तक काम फिनिश किया है। ओके, जिन लोगों को मेरी चटरपटर नहीं सुननी है तो आप यहाँ पे टाइम स्पैम दिया रहेगा, आप डायरेक्टली लिविंग रूम टूर देख सकते हैं। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं जिनको बैक स्टोरी जानना है, स्टे ट्यून्ड विद मी। सो ये तीन पार्ट्स में रहेगा। एक रहेगा जिसमें मैं एक्सप्लेन कर रही होंगी यहाँ मैंने ये रखा है, यहाँ मैंने वो रखा है, फलाना ढिमकाना। दूसरा पार्ट रहेगा जिसमें ओवरऑल आपको लुक दूंगी। एंड तीसरा पार्ट रहेगा जिसमें नाइट लुक आपको मिलेगा, बिकॉज इस घर का नाइट लुक इज अमेजिंग। सो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देती हूँ। तो इस घर में मोस्टली मैंने वही सब सामान यूज किया है जो मेरे पुराने घर में था, करीब 5% मतलब एक आधा प्लांटर। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खरीदा है एक्सेप्ट वन पीस ऑफ फर्नीचर। एंड दूसरी चीज ये कि यहाँ पर जितना भी आप इलेक्ट्रिसिटी वर्क देख रहे हैं लाइक शैंडलर्स, फैंसी लाइट्स, LEDs, फलाना ढिमकाना, कारपेंट्री वर्क, ड्रिलिंग, ये सारी चीजें हम दोनों ने करी है, इसलिए भी इतना डिले हो गया है। उस वजह से जो काम एक दिन में हो सकता था वो काम समटाइम्स 2-3 दिन लिया। एंड तीसरी चीज ये कि इस घर का जो कलर है दैट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाइट, जो मिल्की व्हाइट पहले मेरे घर में मैंने कलर किया था, यहाँ पर काफी से आइस एज वाला कलर जो होता है, आइवरी या बेजिश काइंड ऑफ अ कलर है, मोस्टली आइवरी एंड बेजिश काइंड ऑफ अ कलर है विथ हिंट ऑफ आइस एज। सो ये इस तरह के कलर मुझे लगता है। मैं ज्यादा बातें करें स्टार्ट करते हैं टूर से। सो दिस इज माय मेन एंट्रेंस, ये यहां से मेन एंट्रेंस होती है एंड उसके लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे। एक राइट हैंड साइड का पार्ट है जहां से डाइनिंग एरिया आता है एंड एक सामने का पार्ट है जो लिविंग रूम एंड सिटिंग सिट आउट एरिया हम लोगों ने बना करके रखा हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। ये जो है ये हमारा फुटवेयर सेक्शन है, ये हमारी यूनिट थी, टीवी यूनिट थी जो कि हमारी 3-in-1 टीवी यूनिट थी। इसका अभी जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने यहाँ पर अलग से यूज कर लिया है एज अ शू रैक, हम इसको यूज कर रहे हैं। एंड शू रैक के ऊपर कुछ भी बहुत फैंसी चीजें नहीं है, बिकॉज माई हस्बैंड वॉन्टेड समथिंग कि वो जैसे ही गेट से आए तो उसको अपनी कीज, अपना वॉलेट, अपना मोबाइल, अपनी वॉच, अपने शेड्स, अपने स्पेक्स, सब कुछ उसको कहीं पर डंप करना होता है। सो ही वॉन्टेड समथिंग कि जो डंप करने वाला हो, मतलब उसको जमा के न रहना पड़े। सो यहाँ पर मैंने इस तरह की बास्केट है जो रखी हुई है, साइड में कोई फैंसी चीज नहीं है, नॉर्मल सा एक्सटेंशन रखा हुआ है, उसी को छुपाने के लिए मैंने ये दो चीजें रखी हुई हैं। तो ये एक्सटेंशन है फॉर दिस एंड फॉर दिस, एंड यहाँ पर एक चार्जर भी लगा हुआ होता है सो दैट अगर आपको मोबाइल वगैरह चार्ज करना है तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। एंड ये कैंडल है और ये मनी प्लांट है। नाउ कमिंग टू दिस एरिया, ये जो एरिया है ये शू रैक के बिल्कुल साइड से ही स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर मैंने अपना पाम ट्री लगा करके रखा हुआ है एंड उसके बाद हमारी ये जो लंबी सी टीवी यूनिट है ये स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज अ DIY वाटर फाउंटेन जो कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर के बनाया था, इसके ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो है। इस साइड में एक लाइट है, एक लैम्प है, उसके साइड में यहाँ पर हमने हमारा टीवी लगाया हुआ है, उसके साइड में यहाँ पर नॉर्मल सी एक वुडन क्रेट है, ये D2H रखा है, दो रिमोट रखे हुए हैं, ये चारों फेक प्लांट्स हैं। बिकॉज मैंने बहुत सारी बार कोशिश करी कि मैं यहाँ पर कुछ रियल प्लांट्स लगा दूं बट वो हमेशा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, डेड हो जाते हैं। क्या रीजन है, छोटी जगह है इसलिए। तो यहाँ पर मैंने फेक प्लांट लगा करके रखा हुआ है। सो दिस इज अ मिरर, वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज गिफ्टेड टू मी बाय माय सब्सक्राइबर टर्न्ड फ्रेंड, उसका नाम है मिनी, उसका पेज है, उसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो मुझे 2-3 चीजें गिफ्ट करी है दिवाली के टाइम पे, वो सब मैंने अभी यूज करी है। नाउ कमिंग टू दिस एरिया, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक टेबल लैम्प रखा हुआ है एंड ये रियल फ्लावर्स इसमें लगाए हुए हैं एंड उसके ऊपर जो ये प्लांटर्स लगे हुए हैं हैंगिंग प्लांटर्स, ये मेरे पुराने घर में भी थे, दोनों ही रियल प्लांट्स हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं इस कॉर्नर पे। सामने की लाइट की वजह से आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो ये बैल्कनी वाला एरिया है, इसका टूर मैं अलग से डाल चुकी हूँ विंडो के राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पर एक साइड टेबल रखा हुआ है, ये भी अगेन पुराना ही है और उसके ऊपर लैम्प रख दिया है और उसके जो साइड में आप देख रहे हैं वो भी अगेन रियल फ्लावर है और उसके एक ट्रे रखा हुआ है, सेम हैंगिंग प्लांटर्स वहां पर लगाए हुए हैं, अगेन ये भी फ्रॉम ओल्ड हाउस ही है। उसके बाद आप साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा जो ये फ्रेम है, ये अगेन पुराने घर का ही है। मैं सोच रही थी इसको चेंज करने का इसके ऊपर का, बट देन आई थॉट कि ये अभी इसके साथ तो एकदम परफेक्ट जा रहा है, तो ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो गया है। यहाँ पर एल शेप का बन चुका है, वो हमने सोफा गम बेड लगा लिया है और ये हमारा जो सिटिंग बेंच था जिसमें अंदर स्टोरेज भी है फ्रॉम होम सेंटर, वो पूरा एक अच्छा सा एल शेप का यहाँ पर शेप ले लिया है। तो हम यहाँ पर आराम से बैठते हैं एंड वी वॉच टीवी है, सो ये एकदम परफेक्ट बन चुका है।
ये बाहर के जो स्टूल्स हैं बैम्बू एंड जूट स्टूल्स, इनको हम समटाइम्स अंदर भी रखते हैं इन केस अगर कोई आता है तो सिटिंग बढ़ाने के लिए। ये अंदर भी बहुत प्यारे लगते हैं बिकॉज पूरा जूट कलर एंड वाइट कलर एक दूसरे के साथ मैच होता है। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड वाले सेक्शन में। सो दिस इज बेसिकली माय मेमोरी वॉल। मेमोरी वॉल के बिना माय मेकओवर्स आर टोटली इनकम्प्लीट। तो पहले आते हैं, हम नीचे से इस यूनिट से चालू करते हैं कि हम लोगों ने खुद कस्टमाइज करी थी, मतलब 80% ऑफ दिस यूनिट इज डिजाइंड एंड इवन जो कार्पेंट्री वर्क है दैट इज ऑल्सो डन बाय अस। हमारा पुराना डाइनिंग टेबल था जिसको हमने एक कंसोल यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है। इसके नीचे जो है, इसके अंदर जो स्टोरेज है, इसमें मैं अपना सारा पीआर का सामान या जो भी कोरियर का सामान आता है वो हम लोग यहाँ से लेकर के सब कुछ इधर डाल देते हैं। जब आप ऊपर आते हैं तो ये हमारा सैनिटाइजर है और ये कुछ रियल फ्लावर्स है एंड ये जो वास है दिस इज जस्ट अ ग्लास बॉटल जिसके अंदर मैंने सारे रियल फ्लावर्स रखे हुए हैं। तो दिस इज लाइक अ ग्रीन कॉर्नर और अ प्लांट कॉर्नर ऑफ अवर हाउस। ये जो फोकस लाइट्स आपको दिख रहे हैं दीज आर रेंटल फ्रेंडली बिकॉज दीज आर द स्टिक ऑन लाइट, ये स्टिक हो जाता है एंड ये सेंसर लाइट्स है। अगर मैं हाथ से इसको ऐसे करूंगी तो ये बंद हो जाएगा और ये चालू भी ऐसे ही होता है तो मेरा हाथ वहां पहुंचता है तो विकी ऑन करता है एंड विद इन 20 मिनट्स के बाद ही अपने आप बंद हो जाती है। इफ यू आर लिविंग इन अ रेंटेड अपार्टमेंट या आपका खुद का भी घर है और आप कुछ ऐसे फिटिंग लंबा चौड़ा नहीं करना चाहते हैं, यू वॉन्ट सम फैंसी लाइट्स, दीज आर द अमेजिंग ऑप्शन। ये बहुत सही चीज है और बड़ी पसंद आई मुझे कि मैंने यहाँ पर लिखवाई है विक्की से। सो ये है और वो कितना सुंदर रात में इफेक्ट दे। तो यस, ये है हमारी मेमोरी वॉल। Now coming to this section, ये था हमारा मेमोरी वॉल वाला लेन एंड उसके जस्ट आप सामने आते हैं तो ये आता है हमारा डाइनिंग एरिया। ओनली पीस ऑफ फर्नीचर जो हमने खरीदा है एंड दिस इज इन द शेड वुड एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन में। मैं स्पेसिफिकली चाहती थी कि मेरा जो घर का डेकोर है वो जो लाइटर शेड ऑफ वुड में ही है एंड सब कुछ व्हाइट एंड उसके ही कॉम्बिनेशन में है। सो यस, ये है हम लोगों का डाइनिंग टेबल, 4-seater डाइनिंग टेबल एंड इसकी जो दो चेयर्स है हमने उस तरफ इसलिए रख दिया है बिकॉज ऑब्वियसली वी आर ओनली द 2 people जो यहाँ पर बैठ करके अभी हम ब्रेकफास्ट लंच और डिनर करते हैं। इसको मैंने बहुत ज़्यादा मिनिमल रख के रखा हुआ है बिकॉज आई लिटरली डोंट वॉन्ट, विक्की को ये था कि यहाँ पर एक ट्रे हो, उसमें स्पून्स भी हो, सारा सब फलाना ढिमकाना सारी चीज़ें हो। तो यहाँ पर सिर्फ एक फ्लावर वास है जिसमें ये रियल फ्लावर्स लगे हुए हैं एंड साथ में एक कैंडल है और यहाँ पर ये है काला नमक बिकॉज मैं मोस्टली हर चीज़ में काला नमक डाल के खाती हूँ। मैंने सिर्फ ये 3 चीज़ें रखी हैं और पूरा इसको खाली करके रखा है एंड दिस लुक्स रियली ब्यूटिफुल। आप जब यहाँ से इधर जाते हैं, सो कमिंग टू दिस क्रॉकरी यूनिट, दिस इज लाइक अ कंसोल टेबल क्रॉकरी यूनिट की तरह हम यूज़ कर रहे हैं, कंसोल कम क्रॉकरी। सो पर्पस ये था कि यहाँ कुछ ना रखे, हमने यहाँ पर चीज़ें रखे रखी हैं। तो ये यहाँ पर मेरे को एक स्नैक सेक्शन बनाना है बट उसके लिए आई हैव सम आइडियाज़ बट वो थोड़ा सा टाइम ले रहे थे तो आई थॉट कि पहले जितना है उतना तो मैं टूर आप लोगों को दे देती हूँ फिर आगे बनाऊंगी। सो यस, जैसा ये पहले था पुराने किचन में रखा हुआ था वही सब सामान इसके अंदर है। क्रॉकरी यूनिट है, वहाँ पर हमारा वैक्यूम क्लीनर रखा है, उसमें कुछ यूटिलिटी स्टफ रखा हुआ है। नाउ कमिंग टू दिस सेक्शन, इसके अंदर टोस्ट है, इसके अंदर सारे बिस्किट्स हैं, देन दीज आर सम ग्लासेस, ये दो वाइन ग्लासेस भी यहीं रखे हुए हैं बिकॉज अगर हमको इवन हमको कुछ भी फैंसी ड्रिंक भी पीना होता है ना सो वी लिटरली use that wine glasses only and यहाँ पर हमने mouth freshener रखा है। ये एक coat है, this is the lily and oh my god ये आज ही इसका जो कली है वो आज ही खिला है, अभी 2 और हैं इसमें। सो इतना सुंदर इसकी वजह से घर के अंदर fragrance आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। then ये money plant है, ड्यू टू दिस कैंडल ये जो लीव है इसका ये बर्न हो गया है जिसको मैं हटा दूंगी। नाउ कमिंग टू इसके ऊपर वाले सेक्शन में, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैंने ये वॉल शेल्फ ये परचेस किया है। नो, मैं इसकी पुरानी पिक्चर डाल दूंगी। ये मेरे पुराने घर में 2 वॉल शेल्स ऊपर नीचे लगे हुए थे, मैंने इसको एक रो में लगाया हुआ है। पहले मुझे लगा था कि मैं एक पूरी लंबी वॉल शेल्फ यूज करूंगी और उन 2 को मैं कहीं और यूज कर लूंगी, बट आई थॉट वाई टू वेस्ट मनी जब मेरे पास एक है। और मैंने उसी को रीडेकोरेट करके थोड़ा सा ये टेढ़ा है
एकदम से अलाइन नहीं है क्योंकि विक्की ने लगाया है, तो हल्का सा वो ना गलती से थोड़ा नीचे ऊपर हो गया है, बट इट्स ओके, वो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है नाउ, बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड इसके ऊपर पूरी जो ऊपर नीचे LED देख रहे हैं, ये फिटिंग सब कुछ मैंने किया है, इसको मैंने ही लगाया है, क्या लग रहा है ये लोग। तो ये जो आप ट्री देख रहे हैं ये हम लोगों ने होम टाउन भोपाल से परचेस किया था। एक्चुअली उस टाइम में वहां पर सेल चल रहा था, मेरी नजर इस पे पड़ी एंड देन ये मुझे सिर्फ 290 रुपीज में मिला। कैन यू इमेजिन दिस, 290 में इसलिए मिला है क्योंकि इसमें एक छोटा सा डिफेक्ट है जो कि ढंग से दिख भी नहीं रहा है। नाउ इसके जो साइड में दो मिरर्स आप देख रहे हैं, फ्लावर एंड मिरर, ये मैंने होम सेंटर से परचेस किए हैं, दोनों काफी सही रेट में मुझे मिल गए थे ये। सो दीज टू आर ऑल्सो द न्यू परचेस, एंड ये वाला तो मेरे पुराना है, मतलब ये मैंने भोपाल में ही ले लिया था, मुझे पता था कि मैं इसका कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी, बहुत ही सुंदर लग रहा है। नाउ ये फ्लावर एंड गार्डन मैंने यहाँ पर इसलिए लगाया, दिस इज नॉट गोइंग विद द फ्लो, बट स्टिल आई केप्ट इट बिकॉज इसके पीछे एक्सटेंशन लगा हुआ है और वो थोड़ा अजीब लगता, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर रख दिया है। मैं कुछ भी ओरिजिनल नहीं रखना चाहती थी बिकॉज यू नो उसमें पानी वगैरह डालते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की चीज है, कुछ भी शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाए, सो इसलिए मुझे यहाँ पर फेक ही रखना था। अब आते हैं इस लैम्प के ऊपर, लैम्प मैंने लिया हुआ था भोपाल से ही, देन उसके बाद आते हैं इस शैंडलियर पे। तो ये जो है ऊपर वाली जो आप देख रहे हैं, ये डांडिया जो होता है ना गरबा करने वाली जो लकड़ी होती है, वो मैंने यूज करी है और उसके ऊपर इस तरह से हमने हैंग करके बल्ब लगा दिए हैं। नाउ डाइनिंग एरिया के जस्ट सामने में है हम लोगों का मंदिर, एंड दिस इज अ न्यू मंदिर, लोगों को इसमें बल्ब लगाना है और थोड़ा सा और डेकोरेट करना है, वो हम आराम से करेंगे, आपको कमिंग ब्लॉग्स में वो सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। That's it for my video. अगर आपको वीडियो पसंद आया है then do not forget to hit the like button, subscribe to my channel and comment down below. मैं मिलती हूँ आपको मेरे next video में, till then bye.